गुजरात में कच्छ जिले के बन्नी इलाके में रहते गुल मोहम्मद यहाँ की पत्ती पत्ती और बूटे बूटे को बखूबी जानते हैं। उनकी भैंस को जोड़ों का दर्द है। आडेरी नाम की यह स्थानीय वनस्पति दर्द कम करती है, ऐसा गुल मोहम्मद का अनुभव है। उनके पुरखे भी यही करते थे। यह एक पारंपरिक ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पशु और वनस्पति से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान रखने वाले को बन्नी में भागिया कहते हैं। गुल मोहम्मद भागिया के तौर पर काम करते हैं। जो भागिया है, जो इनको दिल लग जाता है भैंस से, गाय से, बकरी से, जिससे और जमीन से और घास से भी, उसको दिल लग जाता है तो उसको भी मालूम भी पड़ जाता है कि ये भैंस खाएगी घास तो बहुत दूध देगी और बहुत खून बढ़ाएगी। आसपास के गांव में जब भी कोई पशु बीमार होता है तो लोग अक्सर गुल मोहम्मद को बुलाते हैं। कौन सी घास खाने से भैंस ज्यादा दूध देगी, या बकरी अगर बीमार है तो उसे कौन सी वनस्पति खिलानी चाहिए, इस बारे में भागिया को पता होता है। यह ज्ञान उन्होंने बुजुर्गों से सुन सुनकर हासिल किया है। जो बुजुर्ग लोग थे वो जब साथ में मिलते थे, भैंसे और गाय बकरियां निकल जाती थी जंगल में चरने के लिए, तो वो बैठ जाते थे, वो एक दोनों को पूछने लगते थे तो ये भैंस ये गाय कौन सी नस्ल की है। छोटा था मैं, उनकी बातों सुनकर मेरे कान के अंदर उतार दिए, तो मैं सुन सुनकर 56 प्रकार का घास का भी नाम है मुझे याद है। पहले के वक्त में भागिया ऊंट घोड़े पर बैठकर पशुओं के इलाज के लिए जाते थे। सराड़ा गांव में पशु बीमार होते हैं तो हाजी रहीमदाद को बुलाया जाता है। 92 साल के हाजी रहीमदाद डगर थोड़ी धीरे धीरे रखते हैं, लेकिन गांव के लोग मानते हैं कि उनके इलाज से बीमार भैंस दौड़ने लगती है। अब तो उम्र हो गई है लेकिन वे काफी दूर तक इलाज के लिए जाया करते थे। 50 किलोमीटर आवे को जरूरी वालों तो हमें 50 किलोमीटर बजाइए, ऊंट मेरे तो ऊंट पर बेसी जाइए, जो ऊंट में घोड़ो घोड़ो ने तो पैदल जाए। बन्नी के लोगों का मानना है कि पशुओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिनके भाग्य में लिखी गई है उसे भाग्यशाली यानी भागिया कहते हैं। उनकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, यह सब मौखिक इतिहास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। दिस नॉलेज इज विद वेरी फ्यू लिमिटेड पीपल एंड इट इज द फैमिली, दे गिवन द नॉलेज टू देयर फैमिली मेंबर्स एंड देन दे बिकम द वैद्य, देन इट गोज टू अनदर फैमिली मेंबर्स काइंड ऑफ थिंग। दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर इयर्स टूगेदर, डिकेड्स टूगेदर। जे पशु सारवार अने खास करीने जे वियाण वक्ते जे पशु में तकलीफ थती होय एनी सारवार माटेनू बच्चू घणी वक्त माना पेट में गायना के भैंसना पेट में होय अने एने बार आवामां तकलीफ होय त्यारे एने केम काढू, एना माटे शुं शुं उपायो करवा, ए बधा विषे ए लोको पासे सारू परंपरागत ज्ञान होय छे अने ए ज्ञानथी जे लोको वर्षोथी पोताना पशुओनी चिकित्सा करता आव्या छे। बन्नी का ये चरागाह इतने किलोमीटर में फैला है। बन्नी में पशुओं को होने वाली 39 बीमारियों के लिए 339 पारंपरिक इलाज दर्ज किए गए हैं, जो कि भागिया के जरिए इजाद किए गए हैं। कच्छ में पशुधारकों के साथ काम कर रही संस्था सहजीवन ने इसकी रिपोर्ट तैयार की है। सहजीवन ने एक डॉक्यूमेंटेशन किया था 2010 में कि कितने टाइप्स के इस तरह की औषधियां हैं जिनको बन्नी के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो औषधियों का नाम भी है हमारे पास और वो कौन भागिया है जो इसको किस कारण के लिए इस्तेमाल करता है वो भी हमने अच्छी तरह से उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया है। भागिया एक पुश्तैनी परंपरा है जो इनके पुरखों से चली आ रही है, हालांकि उनकी नई पीढ़ी जो है वो इस परंपरा से दूर होती नजर आ रही है। इनका जो ध्यान है मोबाइल पर ज़्यादा है, एक नंबर, मोटरसाइकिल पर ज़्यादा ध्यान है, पशुओं पर कम ध्यान है। पहले जो बागिये थे तो हर गांव में 2-3-4 बागिये ऐसे निकल आते थे, अभी बागिये कम हो गए हैं, अभी 2-3 गांव में एक ही बागिया जो मेन वो मिलेगा। चलते फिरते पशु चिकित्सालय और प्राथमिक पशु चिकित्सा केंद्र अब बन्नी में उपलब्ध है। बन्नी ग्रासलैंड में 1,00,000 जानवर है, 1,00,000 जानवर के पीछे कम से कम 10 डॉक्टर चाहिए, वहाँ एक डॉक्टर मुश्किल से होता है और वो भी कभी कभी अवेलेबल होता है। तो इस सिचुएशन में बन्नी के सभी मालधारियों को ये जो अपने भागिया है उनके ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है,
कि उसको नाक पे पसीना हो रहा है, कि उसको सांस चढ़ रहा है, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए हम पहले अपने भागियाओं से बात करते हैं। कोई बड़ी बीमारी हो या ऐसे महामारी जैसी कोई बीमारी पड़ी हो तो फिर मेडिसिन का सहारा भी लेते हैं। नई पीढ़ी के लोग भागिया की परंपरा से ताल मिलाए, इसके लिए कच्छ यूनिवर्सिटी के साथ एक अभ्यासक्रम संस्था सजीवन चला रही है, जिसमें छात्रों को सिखाने भागिया भी आते हैं। तकरीबन 70 जैसे बच्चों को ये सब सिखाया है, और अभी अगले साल से हमने बहनों के साथ भी ये क्लास शुरू किया है। बन्नी जैव वैविध्य से समृद्ध है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन की आबोहवा यहाँ की परंपरा के साथ लहराए। तेजस वैद्य, BBC, बन्नी, कच्छ।